Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir, and today we are going to learn conjunctions, the connectors. Okay, this is a very very important chapter or topic in English grammar. All the words in English have been classified into 8 categories. They are called parts of speech, and this conjunction is one of them. Okay, first we will learn definition of conjunction. Then we will learn the classification and sub-classifications with examples. ठीक है, पहले हम लोग conjunction का definition देखेंगे, परिभाषा समझेंगे, परिभाषा के बाद उनके classification और classification के जो sub-classifications होते हैं वो भी देखेंगे with example. और जब पूरी ये complete हो जाएगा उसके बाद हम लोग individual conjunctions के uses पे जाएंगे, क्योंकि individually देखना वो important है कि किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है. अनटिल अनलेस वी लर्न देम वेल, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू राइट करेक्ट इंग्लिश और टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. ठीक है, कि इसके बिना शुद्ध शुद्ध इंग्लिश लिखना और बोलना संभव नहीं हो सकता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं. लेकिन टॉपिक में आए इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो देखते हैं तो आप अंत तक देखेंगे. You watch the video till the end, okay? If you like, अगर आपको पसंद आता है तो like कीजिए, share कीजिए, और अगर नए हैं तो subscribe करिए. और subscribe ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत जल्द इस channel पर spoken English का series आ रहा है. ठीक है, और वो series सभी level के students के लिए, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक, और एल्डर पीपल का भी जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं वो भी सीख सकते हैं. तो आप सब्सक्राइब करिए और बस इंतज़ार करिए आप, लेकिन आप वीडियो देखते रहिए. ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए तो वो चल ही रहा है, उसके सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, लिटरेचर से, ग्रामर से, राइटिंग सेक्शन से, रीडिंग स्किल से. ठीक है, जो हमारे एडवांस लर्नर्स हैं उसके लिए ग्रामर भी अपलोड होता रहेगा, बेसिक लर्नर्स के लिए भी, और बहुत जल्दी जो स्पोकन सीरीज आ रहा है वो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. इसलिए आप बने रहिए चैनल के साथ, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर, कंजंक्शन. ठीक है, पहले डेफिनेशन इसका मैंने पहले भी बताया था. डेफिनेशन की अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू क्लाउजेस, टू फ्रेजेस. ठीक है, एक वर्ड जो दो वर्ड को जोड़ता है, दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लाउजेस को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है. ठीक है, आपस में, तो वह वर्ड क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है. यहाँ एक एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से ये डिफिनेशन मैंने लिया है, उसको आप जरा सा देखिए. वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, जो मैंने बताया उससे भिन्न नहीं है. इसमें क्लाउज एक मेंशन नहीं है, मैंने उसको भी मेंशन कर दिया. कहते हैं कि वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, जो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस फ्रेजेस को जोड़ता है, और सेंटेंसेस सेंटेंसेस को जोड़ता है, इज कॉल्ड अ कंजंक्शन. वो कंजंक्शन कहलाता है. अब फ्रेज का डिफिनेशन मैंने बताया है पहले ही, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आप नए हैं और नहीं देखे हैं तो. फ्रेजेस वर्सेस क्लॉज वर्सेस सेंटेंस, इसमें मैंने तीनों को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसके डिफिनेशन को बताया, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस कैटेगरी में रखेंगे, कैसे आप उसको पहचानेंगे, डिटेल में बताया. तो आप ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, इंग्लिश विद श्रवण सर. ठीक है, मैंने दो या दो से अधिक वर्ड के समूह को जो लॉजिकली अरेंज्ड हो, ग्रामेटिकली, और जिसका मीनिंग हो, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है. तो अभी मैं हम लोगों ने देखा कि कंजंक्शन का काम क्या है, वर्ड्स को जोड़ना आपस में, फ्रेजेस को आपस में जोड़ना, क्लाउज को आपस में जोड़ना, और सेंटेंस को आपस में जोड़ना. यही कंजंक्शन जब सेंटेंस को आपस में जोड़ता है तो सेंटेंस कनेक्टर्स भी कहलाता है. इसलिए सेंटेंस कनेक्टर से फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, कंजंक्शन को ही कहते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कंजंक्शन का. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज़ अ गुड हैबिट. कहता है जल्दी सोना
और जल्दी जगना अच्छी आदत है, ठीक है। तो अर्ली टू बेड एक फ्रेज हो गया, अर्ली टू राइज दूसरा फ्रेज, दोनों को कौन जोड़ रहा है यहाँ पे? एंड जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यू विल सक्सीड इफ यू लेबर हार्ड, कि आप सफल होगे। ये एक क्लाउज है लेकिन ये मेन क्लाउज है, मेन क्लाउज अपने आप में सेंटेंस भी होता है, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। यू विल सक्सीड, आप सफल होगे इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, तो इफ यू लेबर हार्ड, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा क्लाउज है, ये क्लाउज इफ से शुरू होता है, ठीक है, और ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो तो क्या? यू विल सक्सीड, तो अपना अर्थ पूरा करने के लिए यहां आना पड़ता है, ठीक है। तो ये सबॉर्डिनेट क्लाउज और ये मेन क्लाउज दोनों को कौन जोड़ रहा है? इफ। तो इफ यहां पे क्या हो गया? कंजंक्शन, ठीक है। थर्ड लाइन में, थर्ड सेंटेंस में आते हैं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो ये पुअर और ऑनेस्ट, ये दोनों को कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। तो बट यहां पे क्या हो गया? बट यहां पे क्या हो गया? कंजंक्शन, ठीक है। अब कंजंक्शन समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, ठीक है। फिर भी परेशानी होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या व्हाट्सएप के द्वारा आप कॉन्टेक्ट करेंगे। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, अब कंजंक्शन का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, उसके प्रकार देखते हैं। तो कंजंक्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए, सी ओ ओ आर डी आई एन ए टी आई एन जी, अगर पहचान में ये नहीं आया इसलिए मैं स्पेलिंग बता दिया, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, एस यू बी ओ आर डी आई एन ए टी आई एन जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहते हैं? ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंजंक्शन जो दो समान लेवल का, समान स्टैंडर्ड का या समान क्लास का, ठीक है, वर्ड्स सेंटेंसेस फ्रेजेस या क्लाउज को जोड़ता है, लेकिन वो सेम स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल जो बताया उसी में से मैं बता देता हूँ। देखिए अर्ली टू राइज और अर्ली टू बेड लगभग दोनों सेम स्टैंडर्ड का, सेम क्लास का क्या है? फ्रेज है, दोनों को जोड़ रहा है एंड। तो एंड क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ठीक है, कोई डाउट? चलिए दूसरा, यू विल सक्सीड, आप सफल होगे इफ यू लेबर हार्ड। यहाँ पे देखिए दोनों दो स्टैंडर्ड का है, दो क्लास का, एक है मेन क्लास, दूसरा है सबॉर्डिनेट क्लास। एक अपने आप में कंप्लीट है, दूसरा को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए पहले पर आश्रित रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के जो जो डिफरेंट क्लास के, ठीक है, क्लाउज को जोड़ता है, मेन क्लाउज के साथ जो सबॉर्डिनेट क्लाउज को जोड़ता है उसको हम कहते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्लियर। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग है क्योंकि पुअर इधर, ऑनेस्ट ये क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव। मैंने बोला था सेम क्लास की वर्ड फ्रेजेस या क्लाउज या सेंटेंस को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ सेम क्लास के वर्ड को जोड़ रहा, दोनों एडजेक्टिव है। अगर दो नाउन को जोड़ेगा तो वो भी क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेम लेवल के वर्ड्स फ्रेजेस क्लाउसेस सेंटेंस को जोड़ता है, और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है कि मेन क्लाउज को सबॉर्डिनेटिंग क्लाउज से या सबॉर्डिनेट क्लाउजेस से जोड़ता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम लोग एक में आते हैं, पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ जिसको हम कंजंक्शन का सब क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो ये इसका चार क्लासिफिकेशन है, चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉपुलेटिव कंजंक्शन, फर्स्ट इज कॉपुलेटिव कंजंक्शन। ये क्या होता है? ये दो स्टेटमेंट को जोड़ता है या दो फैक्ट्स को जोड़ता है, ठीक है। दो स्टेटमेंट, दो कथन या कोई तथ्य को, फैक्ट को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉपुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है?
वो देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखा है ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो एंड एज वेल एज, ऑल्सो एंड एज वेल एज बोथ एंड, बोथ डॉट 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 एंड, इस तरह के प्रयोग आपने देखे हो, नहीं देखे तो मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। इंडिविजुअल सबका यूसेज देखेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा मैं कवर अप करूंगा, ठीक है। उसके बाद नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नाउ, फिर है टीओ एटसेट्रा, टी डबल ओ एटसेट्रा। अब कुछ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हम लोग सरसरी निगाह से एक बार सबको देख रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं, हम लोग उसके प्रकार को जान रहे हैं, सबसे परिचित हो रहे हैं इंडिविजुअली, फिर हम लोग यूसेस बाद में देखेंगे। अगर यूसेस देखने लगता है तो फिर वो छूट जाएगा, तो एक कंप्लीट हम लोग उसका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सारे कंजंक्शन, उसके टाइप्स, उसके क्लासेस का, और उसके बाद फिर हम लोग यूसेस में आते हैं। इसके एग्जाम्पल कॉपुलेटिव कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया, उसके सेंटेंस में यूसेस देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आई गैव हिम बुक, ठीक है, एंड ही गैव मी अ पेन, मैंने उसे बुक दिया, उसने मुझे पेन दिया, कलम दिया, ठीक है। ये दोनों सेम लेवल का है और ये दो किसको जोड़ रहा है, स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि जो दो स्टेटमेंट को या दो फैक्ट को जोड़े वो क्या कहलाता है, कॉपुलेटिव कंजंक्शन। और कॉपुलेटिव कंजंक्शन किसके अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, वह और उसके भाई दोषी है, ठीक है। तो ही एज वेल एज, तो दोनों दो सेंटेंस हैं, आप ही इज गिल्टी, हिज ब्रदर इज गिल्टी, तो दोनों को किससे जोड़ा गया, एज वेल एज से, ठीक है। तो ये किसको जोड़ रहा है, दो फैक्ट्स को, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से दो फैक्ट को, दो ये स्टेटमेंट को जोड़े, उसको हम क्या कहते हैं, कॉपुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एडवर्सेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार तो हमने देख लिया वो क्या था, कॉपुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा प्रकार है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिससे दो ऑपोजिट, ठीक है, भाव वाला जो एक्सप्रेशंस होता है या स्टेटमेंट्स होता है जिसमें विपरीत भाव रहता है, उसको आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, इसमें कौन कौन आता है, पहले बट, हाउएवर, नेवरदलेस, ठीक है, नेवरदलेस, ओनली, स्टिल, वेयरएज, एटसेट्रा, ठीक है, वेयरएज एटसेट्रा, बात समझ में आ रही है। अब सेंटेंस में यूज करके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे द मैंगो इज राइप, आम पका है, ठीक है, बट इट इज कॉस्टली, लेकिन ये महंगा है, ठीक है, दो विपरीत भाव है ना, आम पका तो है, ठीक है, लेकिन वो महंगा है। तो इस तरह के जो अपोजिट सेंस रखने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं या फैक्ट्स रहते होते हैं या एक्सप्रेशन होते हैं, उसको जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सी इज ओल्ड, वह बूढ़ी है, स्टील सी इज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी सुंदर है। तो जनरली क्या होता है, जो बूढ़ी होती है वो सुंदर नहीं होती, सुंदरता बुढ़ापे के साथ खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ कहते हैं वह बूढ़ी है फिर भी सुंदर है। तो यहाँ स्टील क्या है, दोनों को जोड़ रहा है कंजंक्शन के रूप में, तो ये विपरीत भाव दोनों है, एक बूढ़ा होना और एक सुंदर होना, तो दोनों को इस तरह से जो विपरीत भाव को जोड़ता है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, विपरीत भाव वाले स्टेटमेंट को, इफेक्ट्स को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्लियर। अब आते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है कि जो च्वाइसेस को, ठीक है, विकल्प को जोड़ता है, जो विकल्पों को दिखाता है, जोड़ता है। जैसे क्या होता है, इधर और, नीदर नॉर, आइदर और भी बोलते हैं, नाइदर नॉर भी बोलते हैं, ये दो तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो जो आप करते हैं आप अपने अनुसार से करेंगे। इधर और, नीदर नॉर, एल्स, ठीक है, और, अदरवाइज, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज, एटसेट्रा, ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करके कुछ देख लेते हैं लोग। ही इज इधर आइडल और डल,
वह या तो आइडल है या डल है, ठीक है, विकल्प है, क्योंकि उसके काम व्यवहार से ऐसा लगता है या तो ये काम इसलिए वो नहीं करता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई काम उसने नहीं किया तो ये समझ में आता है कि या तो वो आइडल है, ठीक है, या फिर वो डल है। बात समझ में आ रही है? दूसरा सेंटेंस, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस ट्रेन। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा कैमरा टिल्ट करूँगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप उसको आप ध्यान से सुनिए, फिर मैं जब कैमरा को इधर लाऊँ तो फिर आप देख लेंगे। हरी अप अदरवाइज और एल्स, तीनों में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप एल्स यू मिस द ट्रेन। तो जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, या तो ट्रेन छूट जाएगी, मतलब इस तरह से। तो अदरवाइज का और एल्स तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब है क्या तीनों में जो स्लाइट डिफरेंसेस है यूसेस में, जब हम लोग इंडिविजुअल कंजंक्शंस के यूसेस देखेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। ये थर्ड काइंड हो गया किसका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अब फोर्थ देखते हैं जो इलेटिव कंजंक्शंस है, ठीक है। आप में नीचे वाला सेंटेंस आप देख लो तब तक। चलिए अब इलेटिव कंजंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इलेटिव कंजंक्शन में का क्या मतलब होता है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग का ही फोर्थ पार्ट है। तो इससे कंसीक्वेंस का पता चलता है, ठीक है, कंसीक्वेंस समझते हैं, कंसीक्वेंस परिणाम, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, तो जो कंसीक्वेंस जिस कंजंक्शन के द्वारा ये बताया जाता है, जब कनेक्ट करते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं ज़्यादा अच्छा होगा। तो इलेटिव कंजंक्शंस में पहले क्या क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा मैं घुमा लूँ, चलिए, ठीक है। देखिए तो कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, फलतः, फॉर, हेंस, सो देन देयरफॉर एटसेट्रा, ये आता है इलेटिव कंजंक्शंस में। और इलेटिव कंजंक्शंस क्या है, फोर्थ काइंड है किसका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अभी हम लोग सबऑर्डिनेटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस के यूसेज से पता चल जाएगा कि यू आर लेजी, ठीक है, यू आर लेजी कंसिक्वेंटली यू फेल्ड, तुम आलसी हो, परिणामतः या परिणाम स्वरूप तुम फेल हो गए, ठीक है। मैंने परिणाम बताता है, बात समझ में आई, वहाँ पे एक विपरीत परिस्थिति दिखा रहा था। यहाँ जब दो चीज़ को करेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक कार्य का परिणाम दूसरे में बताता है, ये कंजंक्शन, ठीक है, इसलिए इसको इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इलेटिव मतलब कंसिक्वेंस। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही केम बैक टायर्ड, ठीक है, ही केम बैक टायर्ड, वो थका हुआ आया वापस, ठीक है, वह थका हुआ वापस आया, केम बैक, ठीक है, फॉर ही हैड टू गो ऑन फूट। कारण क्या था, कारण वह, ही हैड टू गो ऑन फूट, उन्हें पैदल चलना पड़ा, ठीक है, वो थक के क्यों आया, क्योंकि उन्हें पैदल चलना पड़ा, मतलब परिणाम है कि उनके पैदल चलने के कारण वह थका हुआ आया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये कनेक्टर जो है, ये जो कंजंक्शन है वो एक कार्य का, एक स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होता है वो दूसरे में दिखाता है, ठीक है। वहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था कि जो अपोजिट मीनिंग या अपोजिट सेंस रखने वाले या अपोजिट भाव वाले जो स्टेटमेंट्स थे या फैक्ट्स थे उसको जोड़ रहे थे, यहाँ होता है कि उसके कंसिक्वेंस को रखने वाले, एक एक्शन दूसरा कंसिक्वेंस जो है दोनों को आपस में जोड़ता है, उसको हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। तो इसके अंतर्गत कंसिक्वेंटली, फॉर, हेंस, सो देन देयरफॉर एटसेट्रा, ये सारे आते हैं, इत्यादि सब आते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू गो, जाने का समय हो गया है,
ठीक है, ये जाने का समय है, सो लेट अस मूव, इसलिए हम लोग चलें, ठीक है, लेट्स मूव। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके पहले हम लोगों ने कंजंक्शन का को क्लासीफाई किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चार भागों में बांटा, इसमें ये फोर्थ है इलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ किसमें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, जो कंजंक्शन टाइम को रिप्रेजेंट करता, शो करता, मतलब ऐसे एडवर्ब क्लॉज को कनेक्ट करेगा जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, जो टाइम को बताता है। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, आफ्टर, व्हाइल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, एट्सेट्रा, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको। चलिए एग्जांपल में, आई वेंट होम आफ्टर आई लेफ्ट स्कूल, मैं घर गया आफ्टर आई लेफ्ट स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद, ये समय को दिखा रहा है यहाँ पे, और ये आई वेंट होम इस क्लाउज को जोड़ रहा है आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है, इस एडवर्बियल क्लाउज से जोड़ रहा है, ठीक है, मेन क्लाउज को इस एडवर्बियल क्लाउज से जोड़ रहा है। तो यहाँ एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है, आफ्टर लगा है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन भी बता देता है क्लाउज का क्लासिफिकेशन भी यहाँ, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, आई वॉच्ड हर, ठीक है, थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉच्ड हर व्हाइल सी कॉम हर हेयर, आई वॉच्ड हर, मैंने उसको देखा व्हाइल सी कॉम्ड हर हेयर, जब वो अपना बाल झाड़ रही थी या बाल झाड़ी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे व्हाइल, जब, ठीक है, ये कनेक्टर के रूप में आ रहा है, कंजंक्शन के रूप में, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे है, क्योंकि व्हाइल सी कॉम्ड हर हेयर ये क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन किसका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ काउज और रीजन, ठीक है, कारण, बात समझ में आ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ काउज, काउज मतलब क्या होता है, कारण, वजह। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से कंजंक्शन यूज होंगे, एज, बिकाउज, सिंस, दैट, एट्सेट्रा, ठीक है, एज, बिकाउज, सिंस, दैट, एट्सेट्रा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हालांकि सबका इंडिविजुअल हम लोग यूसेज देखेंगे, मैं पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, अभी इंट्रोडक्शन मिल रहा है, हम क्लासिफिकेशन को जान रहे हैं किसको किस कैटेगरी में रखेंगे, और वो अगर कहीं कनेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ गलत तो नहीं हो रहा है, इतना तो आप अभी कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एज यू वेरेंट देयर, चूँकि आप वहाँ नहीं थे, ठीक है, ये काउज और रीज़न है ना, चूँकि आप वहाँ नहीं थे, आई लेफ्ट अ मैसेज, मैंने एक सूचना छोड़ दिया, मैंने एक मैसेज छोड़ दिया, ठीक है, चूँकि आप वहाँ नहीं थे इसलिए मैंने मैसेज छोड़ दिया, ये दोनों क्लॉज को कौन कनेक्ट कर रहा है, एज, ठीक है, मेन क्लॉज यहाँ हो गया आई लेफ्ट अ मैसेज, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ काउज और रीजन। दूसरा, यू हेट मी, आप मुझसे घृणा करते हो, बिकॉज, क्योंकि यू डोंट नो द ट्रूथ, क्योंकि आप सच नहीं जानते, आप सच नहीं जानते, बात समझ में आ रही है, ट्रूथ। अब थर्ड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस, तो प्लेस में आता है वेयर और वेर एवर, ठीक है, वेयर वेर एवर, एग्जाम्पल में, आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया, ठीक है, आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया, ठीक है, कहाँ गया है, कहाँ गया है, गो वेर एवर यू लाइक, जाओ तुमको जहाँ जाना हो, ठीक है, गो वेर एवर यू लाइक। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन है, और हम लोग दो तीन क्लासिफिकेशन इसका, दो तीन काइंड्स किसका, सबऑर्डिनेटरी क्लॉज का देखते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग फोर्थ काइंड्स देखेंगे किसका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो उसका फोर्थ काइंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, उद्देश्य, ठीक है, पर्पस को जाहिर करता है। अब देखिए ये करेक्ट कैसे करता है सेंटेंस का, जिससे कि पर्पस
जाहिर हो, ठीक है, सेंटेंस के एक क्लाउज का पर्पज़ दूसरे से जाहिर हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ पर्पस में दैट, सो दैट, लिस्ट, ठीक है, ये आता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए सेंटेंस में कैसे यूज होता है ये, वी ईट दैट, ठीक है, वी ईट दैट वी मे लिव। हम लोग इसलिए खाते हैं, पर्पस बता रहे हैं कि हम लोग इसलिए खाते हैं कि हम लोग जी सके, वी मे लिव। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पे जो दैट है ये जिस क्लाउज के साथ लग के आता है वो पर्पस जाहिर करता है। दूसरा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न मोर मनी, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न मोर मनी, वह कठिन मेहनत करता है ताकि अधिक पैसे कमा सके, ताकि अधिक पैसे, सो दैट से मतलब यहाँ पे ताकि से है। मैं स्पोकन का जब सीरीज चलेगा ना तो ये सब का इस्तेमाल आपको दिखेगा, फिर हम लोग बातचीत में जो यूज़ करते हैं फिर आपको मज़ा आएगा इंग्लिश में। बहुत कम समय में मैं 3 मंथ्स का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 से 1.5 महीने में बाइलिंगुअल रहूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, और उसके बाद टोटली इंग्लिश में आ जाऊँगा, ठीक है। फिर देखिए, और उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, फिर रिफाइनमेंट में समय लगता है तो उसके साथ प्रैक्टिसेस हैं, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन 3 मंथ इज एनफ, आप बोल पाओगे। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, उसके स्ट्रक्चर, उसके ये एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट क्या है, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। चलिए अब सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट में आते हैं। रिजल्ट मतलब परिणाम, ठीक है, आप जानते हो इसके अंतर्गत सो दैट और सच दैट आता है। क्या क्या आता है कंजंक्शन, सो दैट, सो डॉट 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 दैट, सच डॉट 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 दैट, ठीक है। अब सेंटेंस में यूज में देख लेते हैं उसको, ही इज सो वीक, देखिए सो के बाद जो डॉट लगाया था वहां पे क्या लगा है, वीक, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? तो दैट यहाँ पे सबोर्डिनेटिंग क्लाउज के साथ आ रहा है, तो इसका काम ही सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ही है कि मेन क्लाउज के साथ सबोर्डिनेटिंग क्लाउज को कनेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सच वॉज हिज बिहेवियर दैट, अब देखिए सच दैट का सच और दैट, सच वॉज हिज बिहेवियर दैट वी ऑल डिसलाइक्ड हिम, ऐसा था उसका व्यवहार, ठीक है, इसलिए हम लोग कि हम लोग सभी उनसे नफरत करते थे, नफरत नहीं, हम लोग सभी उनको नापसंद करते थे, ठीक है। सच वॉज हिज बिहेवियर, ऐसा उसका बिहेवियर था कि हम लोग सभी उनको नापसंद करते थे। फिर है नेक्स्ट सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन क्या है, जो शर्त को बताता हूँ, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, अनलेस, प्रोवाइडेड और, ठीक है, अनलेस, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, दोनों में से किसी का इस्तेमाल हो सकता है, प्रोवाइडेड का या फिर प्रोवाइडेड दैट का, ठीक है। हालांकि सबका यूज़ हम लोग करते आए हैं, लेकिन अगर हमने इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो अभी तक पता नहीं है, ठीक है, तो गलतियाँ इसलिए होती है। चलिए एग्जाम्पल में सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुआ है, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, अनलेस आया यहाँ पे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड, ठीक है। जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे, तो जब तक नहीं का मतलब उसका अर्थ क्या होता है, जब तक नहीं, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हो आप सफल नहीं हो सकते, ठीक है, यू कांट सक्सीड। दूसरा, आई अग्री टू योर प्रपोजल प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, आई अग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ बशर्ते यू लिव विथ मी, कि आप मेरे साथ रहो, ठीक है, आप मेरे साथ रहो। फिर है सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर, अब ये तरीके बताते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, एज इफ और एज दो, ठीक है, इसमें एज इफ और एज दो आता है, ये लर्न कर लेंगे आप, मतलब 1 से 2 बार आप देखोगे वीडियो तो उसमें लर्न हो जाएगा, नहीं तो एक बार में ही नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है।
अब सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है, ही टॉक्स, ठीक है, ही टॉक्स है, ही टॉक्स एज इफ ही इज अ पैरट, वो ऐसे बात करता है, ठीक है, ही टॉक्स, वो ऐसे बातचीत करता है मानो वो तोता हो, मानो वह तोता है, ठीक है, एज इफ, यहाँ इसका अर्थ मानो, ठीक है, ही टॉक्स एज इफ ही इज अ पैरट, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पीक्स एज दो सी, सॉरी, सी स्पीक्स एज दो सी नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बात करती है, ठीक है, ऐसे बोलती जैसे उन्हें सब कुछ पता है, उसे सब कुछ पता है. सी स्पीक्स एज दो, तो यहाँ पे एज दो, ठीक है, यहाँ पे एज इफ, समझ में आया, ये एड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ मैनर में आता है. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन और कंट्रास्ट, कंपैरिजन मतलब तुलना, कंट्रास्ट मतलब विपरीत भाव को दिखाना, ठीक है, जैसे वहाँ एडवर्सिटिव देखा था आपने कोऑर्डिनेटिंग में. चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कौन कौन आता है, एज डॉट 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 एज, ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे एज, उसके बाद एज मच एज, नो लेस देन, ठीक है, एल्दो दो इवन इफ, तो देखिए एल्दो, ठीक है, दो और इवन इफ, ये तीन आता है आपका किस में आता है, कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट में. और कंपैरिजन में कौन आता है, एज डॉट डॉट एज, एज मच एज, नो लेस देन, ठीक है, क्लियर. अभी मैं थोड़ा कैमरा झुकाऊंगा, आप देख लेंगे उसको एग्जांपल सेंटेंस में यूज़ करके एक एक देख लेते हैं, फिर हम लोग इंडिविजुअल तो आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आए, अभी इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा है कि सारा चीज़ आप जान जाइए, फिर उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है. देखिए, ही इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज हिज ब्रदर, तो मैंने बताया था ना एज डॉट 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 एज, तो एज यहाँ लगाया, ठीक है, फिर ही इज नॉट एज सक्सेसफुल, अब बीच में सक्सेसफुल डॉट की जगह पे आया, फिर एज हिज ब्रदर, वह उतना सफल नहीं रहा या नहीं है जितना उसका भाई, फिर आई कांट पे योर, आई कैन पे यू प्राइस इवन इफ आई एम पुअर, ये शर्त जो आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट मैंने विपरीत भाव, कहता है कि मैं आपका कीमत चुका दूंगा, ठीक है, अब मैं चुका सकता हूँ, आई कैन पे यू प्राइस, मैं कीमत चुका सकता हूँ आपको, इवन इफ आई एम पुअर, गरीब होने के बावजूद भी, ठीक है, गरीब होने के बावजूद भी, इवन इफ, बात समझ में आ रही है कि हालांकि मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी मैं कीमत चुका सकता हूँ, तो ये इवन इफ, यहाँ पे दो एल दो, ठीक है, और इवन इफ, ये तीनों किसके अंतर्गत आएगा, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये विपरीत भाव दिखाता है, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके यूसेज, इंडिविजुअल यूसेज को देखना शुरू करेंगे, उसमें दो वीडियो लगे, तीन वीडियो लगे, ठीक है, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लेकिन इतना आप बढ़िया से देख लेंगे एंड तक, ठीक है, और आप शेयर ज़रूर करेंगे और लोग लाभ उठा सकते हैं उसका, ठीक है, और लाइक करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे आप, फिर उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, फिर मैं और अधिक आपके लिए वर्क कर सकूँ, ठीक है. तो आज हम लोग यहीं अंत करते हैं इस वीडियो को, गुड बाय.